अनपढ़ लोग ही ऐसी बात कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि नेहरू जी ने तो पहली एडिशन के बाद ही पत्र लिखा, 1936 मार्च में पत्र लिखा, यहीं के एक इतिहासकार को पत्र लिखा और बोला कि मैंने जब जेल में लिखा था मेरे पास रेफरेंस मटेरियल नहीं था, अगले एडिशन में उन्होंने फिर उसको बदला। और ये वही नेहरू जी हैं जिन्होंने 1962 में नाना साहेब कर्माकर को पद्मश्री से नवाजा, क्योंकि नाना साहब कर्माकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई थी 1921 से लेकर 1928 तक में बनाई, और पुणे में छत्रपति शिवाजी नगर में उसको आज भी आप जाकर देख सकते हैं। भाई देखिए, पत्थर मारकर माफी मांगते हुए भी पत्थर मारा, महाराष्ट्र की जनता को एकदम गुस्से में गुर्राते हुए माफी मांगी, कोई माफी होती? माफी क्या होती है साहब? आप लोगों को सस्पेंड करिए, कौन है वो मिनिस्टर मुख्यमंत्री जिसके बेटे का दोस्त जिसको ये ठेका मिला, कहाँ है वो, सामने लाइए, उनको सजा दिलवाइए, उनको आप पद से बाहर करिए, तब तो समझ में आता है कि आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है। भाई अयोध्या में भगवान राम का मंदिर लीक कर गया लेकिन चुनाव के बाद लीक किया तो माफी नहीं मांगी, संसद लीक कर गया चुनाव के बाद लीक किया माफी नहीं मांगी, यहां चुनाव आने वाला है तो माफी मांगने आ गए, इनकी माफी को कौन गंभीरता से ले रहा है?